हेलो एवरीवन माय सेल्फ खान यासमीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का सिलेबस यूनिट टेन दैट इज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब आप ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट को जो होता है इससे मिलकर बना है फिजिकल ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी ठीक है ये दोनों को मिला के जो होता है इंडियन ज्योग्राफी को जो होता है फॉर्म किया गया है जिसमें आपको स्पेशली जो होता है पढ़ना है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ द इंडिया ठीक है इसमें ड्रेनेज सिस्टम को जो होता है आपको स्टडी करना है हिमालय और पैनेसूल रीजन को आपको जो होता है स्टडी करना है क्लाइमेट यानी इंडियन क्लाइमेटिक सीजन उसके वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इंडियन मॉनसून को जो होता है आपको स्टडी करना है पॉपुलेशन डिस्पर्सल पॉपुलेशन ग्रोथ को जो होता है आपको जो होता है स्टडी करना है कि कहाँ पर जो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है कहाँ पर रैंडम जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है इसके बारे में आपको जो होती है यहाँ पर डिटेलिंग करनी हो साथ ही साथ यहाँ पर किस एरिया में पॉपुलेशन जो होती है कौ, कौन सी पॉपुलेशन जो होती है वो डोमिनेंटली जो होती है पाई जा रही है ठीक है मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया को जो होता है आपको स्टडी करना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन को स्टडी करना है ग्रीन रेवोल्यूशन फूड सिक्योरिटी की बात करनी है राइट ऑफ फूड्स की जो होती है आपको यहाँ पर बात की जाएगी साथ ही साथ इंडियन मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात की जाएगी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज के लिए जो होती है कौन कौन सी पॉलिसीज जो होती है वो डेवलप की गई है ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग जो होती है आपको देखना है जिसमें रेलवे रोडवेज एयरवेज और उसके डायरेक्शंस ये सारी चीजों की जो होती है डिटेलिंग करनी होगी प्लस मतलब इंडिया में किस टाइप के जो होते हैं नेचुरल डिजास्टर जो होता है आए हैं यानी वो अर्थक्वेक की बात होगी ड्राफ्ट की बात होगी साइक्लोन सुनामी ठीक है इसके साथ साथ मतलब उनको देखो जब साइक्लोन्स की बात करता है तो डिफरेंट रीजन में जो होता है डिफरेंट तरीके से जो होते हैं जब साइक्लॉन्स आते हैं तो उसको जो होता है एक पर्टिकुलर नेमिंग की जाती है तो अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो होता है थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी जो होता है वो उससे रिलेटेड भी जो होता है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ट्रेडिंग रिपोर्ट के बारे में जो होता है आपको करंट अफेयर के थ्रू जो होता है अपडेट रहना होगा इकोनॉमिक रिपोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जो होता है आपको अपडेट रहना होगा प्लस इंडिया का जो एग्रीकल्चर परसेंटेज है उसके लिए भी जो होता है आपको करंट अफेयर के थ्रू जो होता है अपडेटेड होगा इसके लिए सबसे जो बेस्ट बुक जो होती है मानी जाती है वो इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी जो कि डी आर खुल्ला की लिखी हुई है उसके थ्रू जो होते हैं आप अपने नोट्स बना सकते हैं इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं और यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, उनकी मदद से भी आप स्टडी कर सकते हैं प्लस हमारा ग्लोबल टीचर्स एकेडमी का भी चैनल है जिसमें इस यूनिट की जो होती है डिटेलिंग आपको अच्छी तरीके से जो होती है मिलेगी इस तरीके से आप अपना जो होता है क्वालिफाई कर सकते हैं थैंक यू